पिछले 10 दिनों पर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक पोस्ट यानी एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि पंचायत चुनाव 2020 की तारीखें घोषित, 3 चरणों में होंगे चुनाव। यह फोटो मेरे पास बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा था, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर भी पोस्ट किया था। इसमें सभी लोगों को पूरा का पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये पंचायत चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे कंफ्यूजन है इसे लेकर के। आप लोगों के डेली फ़ोन भी आ रहे हैं मेरे पास कि सर इसके बारे में बताइए, यह न्यूज़ सही है कि नहीं सही है, इसमें क्या सच्चाई है। तो आज इस वीडियो के अंदर इस फोटो की पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूज़ एक पेपर की कटिंग जैसी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि यह प्रिंट मीडिया में किसी भी अखबार में नहीं है, केवल फोटो के रूप में व्हाट्सएप पर दौड़ लगा रही है, पता नहीं हिंदुस्तान के किस किस कोने तक, यहाँ तक कि सऊदी में, दुबई में, बैंकॉक में, थाईलैंड में जो भारतीय लोग रहते हैं उनके पास भी ये कटिंग पहुँच चुकी है। वहाँ से भी मुझे रिप्लाई और मैसेज आते हैं कि सर ये बताइए कि ये अखबार की कटिंग है, क्या यह सही है या गलत है। तो आज इसकी पूरी की पूरी छानबीन के साथ मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप इसमें पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरी की पूरी प्रक्रिया मैं इसमें बता दूंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हों या मुझे पहली बार सुन रहे हों तो चैनल के बगल में, वीडियो के बगल में एक सब्सक्राइब बटन होगा, वहां पर क्लिक करके इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू आसानी से मिलती रहे। तो इसमें लिखा है पंचायत चुनाव 2020 की तारीखें घोषित, 3 चरणों में होंगे चुनाव। एक बार मैं इसको थोड़ा सा साठ में पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है अर्जुन सराधना, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में 75 जिला परिषदों के लिए जिला प्रमुख और 50,000 से ज़्यादा पंचायतों के प्रधान के लिए चुनाव होने हैं। ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जगह लिखा हुआ क्या घोषण, ध्यान दीजिएगा इसकी फर्जीवाड़ा को, घोषण करते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम लुभाया ने पत्रकारों को बताया कि प्रथम चरण का मतदान 16 जनवरी, द्वितीय चरण 22 जनवरी तथा तृतीय चरण का मतदान 30 जनवरी को होगा। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम लुभाया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है, राम लुभाया है कि कुछ और ही है। उन्होंने बताया कि मतगणना 5 फरवरी को जिला मुख्यालय पर होगी। पंच और सरपंच चुनाव की प्रथम चरण मतदान 18 जनवरी, ध्यान दीजिएगा पंच और सरपंच, क्या लिखा हुआ है पंच और सरपंच आपके उत्तर प्रदेश में यह शब्द इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, जरा आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा। प्रथम चरण मतदान 18 जनवरी, द्वितीय चरण 24 जनवरी को तथा तृतीय चरण एक का मतदान 1 फरवरी को होगा। मतदान सुबह 8 बजे लेकर शाम को 5 बजे तक होंगे, इसके बाद मतगणना शुरू होगी। राम लुभाया ने बताया कि, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि राम लुभाया ने बताया कि जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव 7 फरवरी को होंगे, उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव 8 फरवरी को होंगे। सबसे बड़ी झूठ या सबसे बड़ा फाल्स, सबसे बड़ा फेक यहां पर यह लिखा हुआ है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम राम लुभाया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम श्री मनोज कुमार जी है और यहाँ पर लिखा हुआ राम लुभाया, ये फर्जी नाम है राम लुभाया। तो टोटली ये जो न्यूज़ की कटिंग है केवल व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर दौड़ लगा रही है। हमें लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने इस अखबार को हाथ में लेकर के कागज़ के रूप में नहीं पढ़ा होगा। किन लोगों ने पढ़ा है, केवल मोबाइल में पढ़ा है, केवल फेसबुक पर देखा है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह की न्यूज़ से भयभीत ना हो, इस तरह की न्यूज़ पर पूरा विश्वास ना करें। और उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान चुनाव, BDC चुनाव और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कब होगा, मैं अगली वीडियो में इसकी 100% तारीख बता दूंगा, 100% सही समय बता दूंगा कि कब होगा उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, ये तीनों चुनाव उत्तर प्रदेश में कब होगा, इसका एकदम 100% सही समय मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में।
इसके साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पर एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। यदि आपको अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संपूर्ण ब्यौरा चाहिए, संपूर्ण डाटा चाहिए, जैसे नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, शौचालय, पेंशन, नरेगा, सब प्रकार का डाटा आपको मिल सकता है। इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपने ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम लिख करके भेजें, आपको वहाँ पर जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।